24 अक्टूबर को भारत पाक के बीच हुए T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में हुई हार ने भारत के क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। सोशल मीडिया में इस हार को लेकर अलग अलग ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। कोई रोहित शर्मा को हटाने की तो कोई विराट कोहली को कप्तानी से हटाने की मांग कर रहा है। लेकिन इसी बीच दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। दरअसल पाक टीम के कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बल्लेबाज रिजवान ने दमदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी। भारतीय टीम इस मैच में पाकिस्तान का एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाई। 17.5 ओवर पर बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान को बिना किसी विकेट के नुकसान पर जीत दिला दी। जब मैच खत्म हुआ तो बाबर आजम और रिजवान दोनों ही भारतीय कप्तान विराट कोहली से मैदान पर हाथ मिलाने पहुंचे। कोहली ने भी खेल भावना का परिचय दिया और हार भुलाकर बाबर से हाथ मिला लिया। जब रिजवान ने कोहली से हाथ मिलाया तो दोनों गले लग गए। सोशल मीडिया पर यूजर्स दोनों टीम के खिलाड़ियों के इस जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं और इसी वजह से क्रिकेट को कहा जाता है जेंटलमैन्स गेम। इसी तरह से इस मैच के खत्म होने के बाद कई ऐसे पल आए जिसने भारत और पाक क्रिकेट फैंस के चेहरों पर खुशी दे दी। पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने और गले मिलकर जिस तरह से खेल भावना भारतीय कप्तान ने दिखाई उसको सराहा जा रहा है। कोहली के रिजवान को गले लगाने का वीडियो और फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। फैंस इसको लगातार शेयर कर रहे हैं। दरअसल 24 अक्टूबर को भारत के पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने बाबर के 68 और रिजवान के 79 रन की नाबाद पारी के दम पर 10 विकेट की बड़ी जीत दर्ज की। पाकिस्तान के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है क्योंकि पिछले 5 मैच से T20 वर्ल्ड कप में भारत से मिली हार का सिलसिला अब टीम ने तोड़ा। इसी के साथ पाक क्रिकेट टीम को अपनी सरकार और सुरक्षा की वजह से फजीहत भी पिछले समय से झेलनी पड़ी है, जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पाक जाकर सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था। वर्ल्ड कप में भारत को पहली बार हराने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरी टीम जिस तरह से सेलिब्रेट करने में लगी थी उसी से जाहिर था कि उनके लिए ये जीत वर्ल्ड कप से कहीं ज्यादा मायने रखती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई मुकाबला होता है तो स्थिति तनाव की ही होती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ी जब रिलैक्स हुए तो बातचीत शुरू हुई। एक खिलाड़ी जिसकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बीच सबसे ज्यादा डिमांड थी, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता। नाम महेंद्र सिंह धोनी। बाबर आजम हो या शोएब मलिक, इमाद वसीम हो या फिर नए नए फैन बॉय बने शहनवाज धानी, धोनी से बात करने को सब उतावले थे और माही ने भी पाक खिलाड़ियों को मायूस नहीं किया। शहनवाज धानी के चेहरे की खुशी तो छिपाए नहीं छुप रही थी। एक तो उनकी टीम ने पहली बार भारत को किसी वर्ल्ड कप में हराया, ऊपर से उन्हें महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का मौका मिला। धोनी ने अपने इस पाकिस्तानी फैन को निराश नहीं किया, दोनों ने कुछ बातें की, साथ में तस्वीरें भी खिंचाई। प्रैक्टिस के दौरान भी शहनवाज धोनी का ध्यान खींचते हुए नजर आए थे। पाक टीम के कप्तान बाबर आजम इस वक्त टॉप 3 बल्लेबाजों में शुमार है। आजम की कप्तानी से जो कारनामा हुआ वो 1992 में वर्ल्ड कप जीतने वाली पाक पीएम इमरान खान की टीम भी न कर सकी थी। भारत को हराने के बाद बाबर ने टीम इंडिया के मेंटोर धोनी से कई सवाल किए। शायद उनमें से एक सवाल ये भी रहा होगा कि वो गेम को इतने अच्छे से कैसे समझते हैं। असल बात क्या हुई ये तो धोनी, बाबर और मलिक ही जाने, मगर इतना तो तय है कि धोनी ने जो कुछ भी बताया होगा उसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कभी भूल नहीं पाएंगे। धोनी को भारतीय टीम का मेंटोर बनाकर UAE भेजा गया। हालांकि मैच के बाद वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टिप्स देते हुए नजर आए। किसी सीनियर की तरह ही धोनी लगभग सावधान की मुद्रा में थे, जबकि बाबर, मलिक, वसीम जैसे पाकिस्तानी मेंटर्स हाथ पीछे बांधकर किसी नौसिखिए की तरह बातें सुन रहे थे। क्रिकेट के मैदान में भले ही ये दोनों टीमें डटकर एक दूसरे के खिलाफ मैच खेले, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जिस तरीके की खेल भावनाएं दोनों टीमों ने दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ है।